नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र चौधरी। स्वागत है आप सभी को आपके अपने चैनल जेके एरुटेक में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम रसायन विज्ञान के वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि रसायन विज्ञान के कौन कौन से वर्ग होते हैं, किन किन भागों में रसायन विज्ञान को बांटा गया है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला दोस्तों अकार्बनिक रसायन। इसके अंतर्गत सभी ज्ञात तत्वों तथा उनके यौगिकों कार्बनिक यौगिकों के अतिरिक्त का अध्ययन किया जाता है। यानी अकार्बनिक रसायन में दोस्तों कार्बनिक यौगिकों को छोड़कर अकार्बनिक रसायन का अध्ययन किया जाता है। इसमें उन पदार्थों का अध्ययन होता है जो कि वायु, मिट्टी, समुद्र और खनिजों से प्राप्त होते हैं, यानी कि जो नेचुरल से प्राप्त होते हैं वो दोस्तों अकार्बनिक रसायन। अगला है दोस्तों, इसका जो सेकेंड पार्ट है वो है कार्बनिक रसायन। इस विज्ञान के अंतर्गत कार्बन से बने हुए यौगिक, यानी कि कार्बन के कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, कार्बाइड, ऑक्साइड के अतिरिक्त का अध्ययन किया जाता है। सरल भाषा में कहे तो कार्बनिक रसायन हाइड्रोकार्बन और उसके व्युत्पन्नों का अध्ययन होता है। यानी कार्बनिक रसायन में उन चीज़ों का अध्ययन किया जाता है जो कार्बन से मिलकर बने होते हैं। अगला है दोस्तों भौतिक रसायन। इसके अंतर्गत पदार्थ के गुणों और उसके संगठन, रासायनिक अभिक्रियाओं के नियमों और सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है। किसी रासायनिक अभिक्रिया पर तापमान, दाब, प्रकाश, सांद्रता आदि के प्रभाव का भी अध्ययन भौतिक रसायन के अंतर्गत जो है किया जाता है। अगला है दोस्तों विश्लेषण रसायन, यानी कि एनालिटिक केमिस्ट्री। इसके अंतर्गत किसी रासायनिक पदार्थ की मात्रा और गुणवत्ता के आधार पर विश्लेषण करने की विभिन्न विधियों का अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत विश्लेषण की रासायनिक और भौतिक विधियां आती हैं। अगला है दोस्तों जैव रसायन, यानी कि बायोकेमिस्ट्री। इसके अंतर्गत जीव जंतुओं में होने वाले रासायनिक अभिक्रिया तथा पेड़ पौधों और जंतुओं से प्राप्त होने वाले विभिन्न प्रकार के पदार्थों का अध्ययन जो है जैव रसायन के, यानी कि बायोकेमिस्ट्री के अंतर्गत किया जाता है दोस्तों। अगला है दोस्तों कृषि रसायन, यानी कि एग्रीकल्चर केमिस्ट्री। इसके अंतर्गत इन रसायनों का अध्ययन किया जाता है जिसका संबंध कृषि क्षेत्र से होता है। यानी कृषि रसायन में उन रसायनों का अध्ययन किया जाता है जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड होते हैं, यानी जो कृषि से रिलेटेड होते हैं। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल जेके एरुटेक को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।